जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान मंसूर है और मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्टूडेंट हूँ। और बहावलपुर के अंदर जो इस्लामी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो बेसिकली जो थीम है इस सोसाइटी की वो ये है कि जो हमारा टूरिज्म है साउथर्न पंजाब के अंदर उसको प्रमोट करना है। काफ़ी ज़्यादा अभी हम देख रहे हैं डिफ़िकल्टीज़ हमें आ रही हैं प्रमोशन की। एक तो ये है कि बहावलपुर का जो एक मैप है या एक पिक्चर है वो अभी क्लियर नहीं है लोगों के माइंड में, बहावलपुर में किस टाइप का टूरिज़म हो सकता है। बहावलपुर के अंदर जो है ना, आप अगर देखा जाए यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़म भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस शरीफ के अंदर चले जाएँ तो एक ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मोहनजो दड़ो से भी मतलब आपको वो पुरानी हिस्ट्री मिलेगी। तो इतनी ओल्ड सिविलाइजेशन के वहाँ पे जो है ना असरात हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे डीप डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर आप जो है ना कैंपिंग हो सकती है आपकी। डेजर्ट के अंदर 800 नहीं आलमोस्ट सॉरी आलमोस्ट 1200 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे फोर्ट भी है, द्रावर फोर्ट, ठीक है। वो अपने आर्किटेक्चर के अंदर एक जो है ना अलग ही शेप है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ के ऊपर आपके पास शहर के अंदर इसको मैं आपको साथ साथ बताता नहीं हूँ, बहावलपुर को जो है ना महलात का शहर भी कहा जाता है क्योंकि आपको एक ही शहर के अंदर 7 महलात नहीं मिलेंगे। बहावलपुर के अंदर 7 महलात हैं और ये सारे जो हैं 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हैं। तो अगर आप बहावलपुर विज़िट करें तो आप इन 7 महलात को एक ही दिन के अंदर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के ऊपर काफ़ी सारे ट्रेडिशनल हैं, हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, आप ट्रेडिशनल फूड्स को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे साग होता है, घुटा हुआ साग होता है, तो वो ज़रा मतलब यहाँ का ट्रेडिशनल है वो बाकी जो कंट्री में मिलते हैं या सिटीज़ में मिलते हैं उससे ज़रा डिफरेंट होता है। मकई की रोटी है, सोहांजना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट मिलेगी, ख़ासतौर पर यहाँ पर बहावलपुर में आपको ईजी एक्सेस के अंदर हिरन भी मिल जाएगा। तो अगर आपने हिरन भी टेस्ट करना तो वो आपको बहावलपुर में इजी एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जाएं तो बहावलपुर के अंदर जो है आपका ओल्ड सिटी बहावलपुर भी है, जिसके अंदर जो है ना आपको पुराने जो मतलब डिवीज़न से पहले पाकिस्तान हिंदू पाकिस्तान और इंडिया के डिवीज़न से पहले जो भी यहाँ पे कल्चर था आपको वो भी आज भी नज़र आएगा। तो यहाँ पे एक जगह है उसका नाम गांधी गली, आज भी उन्हीं के नेम से, गांधी के नेम से। तो बहावलपुर जो है ना ओल्ड टूरिज़म भी यहाँ पे अगर करना चाहें आप, पुराने महलात वगैरह देखने वो भी मिल जाएंगे आपको, रिलीजियस भी मिल जाएगा यहाँ पे, फूड ट्रैवलिंग भी आपको मिल जाएगी। तो हमारी जो सजेशन यही है क्योंकि विंटर के अंदर आपके नॉर्थ साइड जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं, वहाँ पे सख्त सर्दी होती है, तो विंटर के अंदर बहावलपुर से ज़्यादा फेवरेट रीजन मेरा नहीं ख्याल कोई और होगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप बहावलपुर आएँ, आप इसको एक्सप्लोर करें और अपने व्यूज़ भी हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।